सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कार मोड को GTA 5 में कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन GTA 5 में कार मोड इंस्टॉल करने से पहले तुम्हारे पास चार चीजें होनी चाहिए। पहला स्क्रिप्ट हुकूवी, दूसरा स्क्रिप्ट हुकूवी डॉट नेट, और तीसरा ओपन आईवी या फिर ओपन फोर कुछ भी कह लो, और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कार मोड। तो मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी सियान। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कार मोड को इंस्टॉल करना। तो मैंने दोनों विंडोज आसपास में खोल ली है। एक तरफ है मेरे पास जो लैम्बोर्गिनी सियान का फोल्डर है वो मैंने ओपन कर लिया, खुल गया ये, और दूसरी तरफ है मेरे पास GTA 5 की डायरेक्टरी या फिर कह लो जो फोल्डर है उसका मेन फोल्डर। तो सबसे पहले हम अपने जाते हैं लैम्बोर्गिनी सियान के उसमें फोल्डर में, और हमें मिलता है मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो मेरा फेवरेट मैनुअल इंस्टॉलेशन ही है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वही करते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं मैनुअल, उसके बाद हमारे पास दो फाइल आती है, एक आती है DLC RPF और दूसरा आता है मोड इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हमारी जो वो है इंपॉर्टेंट बात है वो है मोड इंस्टॉलेशन फोल्डर को खोलना, उसमें देखना कि क्या है। तो इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दे रखते हैं बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर, तो देखते हैं। तो हमें जाना है, अब हम जाते हैं अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में, उसमें कह रखा है इसमें जाना है हमें मोड फोल्डर में, फिर हमें अपडेट फोल्डर में, उसके बाद X65 फोल्डर, X64 फोल्डर में, उसके बाद DLC फोल्डर में, और उसके बाद हमें क्रिएट करना है न्यू फोल्डर और उसको नाम देना है R मोड सियान। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू फोल्डर ओपन किया मैंने, मतलब लाया और उसको नाम दे दिया R मोड सियान। उसको क्या करना है, उसके बाद ओपन करना है हमें R मोड सियान को जो हमने बनाया है GTA 5 की डायरेक्टरी में, और जो हमें DLC फाइल मिली थी उसके अंदर, क्या कहते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन के अंदर, जैसे आपको याद होगा। तो हमें ये DLC.RPF वाली जो फाइल है इसको उठा के उस फोल्डर के अंदर डालना है जो हमने R मोड सियान से बनाया था। तो ये हमारा आधा मतलब 50% काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोबारा जाते हैं इंस्टॉलेशन में, अब हमें क्या बता रखा है, तो नेविगेट टू DLCList.XML। तो ये एक फाइल है, ये जैसे आपको ये जो मिल रहा है ना आइटम और DLC पैक ये सब, पहले तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, उसके बाद आता है हमारा ओपन आईवी का काम। तो मैंने पहले से ओपन कर रखा है, आप ओपन कर लेना। इसके बाद ओपन आईवी ओपन करते ही सबसे पहले क्या करना है, हमें एडिट मोड को ऑन कर देना है, बस और कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद हमें जाना है मोड्स में, उसके बाद अपडेट में, उसके बाद update.rpf में, उसके बाद जाना है हमें कॉमन में, उसके बाद हमें जाना है डाटा में, उसके बाद हमें सबसे लास्ट में आना, वहां आपको XML मिलेगा, XML टेक्स्ट, उसमें दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जहां पर भी है उधर आपको ढूंढना है DLCList.XML, उस पर राइट क्लिक करो और डायरेक्ट एडिट कर दो, और ये आ गया हमारा DLCList.XML। अब आपको याद होगा हमने मोड इंस्टॉलेशन में जो ये फाइल कॉपी की थी, जो ये चीज कॉपी की थी, इसको हमें यहीं पर सेव करना है। बस सबसे लास्ट में आ जाओ और यहाँ पे Ctrl+V दबा के इसको कॉपी कर दो और सेव कर दो। उसके बाद नाउ यू कैन स्पॉन द कार विद एनी ट्रेनर यू चूज, और उसमें मतलब हम किसी भी ट्रेनर से हम अपनी कार गेम के अंदर स्पॉन कर सकते हैं, बस हमें उधर नाम लिखना होगा R मोड सियान। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको गेम के अंदर दिखाता हूं मैं कि उसको कैसे स्पॉन करना है, ठीक है। ओके, तो हम गेम के अंदर आ चुके हैं और हमें जस्ट माइकल के घर के बाहर, और अगर आपको अब अपनी जो कार है वो स्पॉन करनी है तो सबसे पहले अपना मेयो ट्रेनर खोलना, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो वो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जाना तीसरे ऑप्शन पे व्हीकल ऑप्शंस, उसके बाद व्हीकल स्पॉनर में जाना, और सबसे लास्ट में जाना है इनपुट मॉडल। इनपुट मॉडल पे क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो उसने बताया था R मोड सियान। तो RMOD मोड SIAN बिना किसी स्पेस के ये लिख देना और दबा देना एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो ये कार है ये हमारी इसके अंदर आ चुकी है, बट इसका जो वो है क्या कहते हैं उसे, वो हम कलर चेंज कर देते हैं, लीवरी जो भी उसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता वो कैसे चेंज करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैंने इसका कलर लीवरी ये चेंज किया, ये कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब मैं आपको उसमें बता दूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमने ये इंस्टॉल कर ली है लैम्बोर्गिनी सियान अपने।
तो मतलब इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है ना, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा होती है, बट बहुत मजा आता है इसको इसके साथ खेलने में। तो हमने इंस्टॉल कर दी, धज्जियां उड़ा दी, बट कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरे को जरूर से बताना, कमेंट करना, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन ऐसे दबाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाला मोड आपके में नहीं चलेगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही और बढ़िया सी वीडियो में, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो।